नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। पौड़ी में जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक, एनआईसी कच्छ पौड़ी में जिलाधिकारी गढ़वाल के निर्देशन पर पीडी डीआरडीए संजीव कुमार राय की अध्यक्षता में आयोजित हुई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि उद्योग मित्रों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करना सुनिश्चित करें। इस दौरान उन्होंने पूर्व में हुई बैठक की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारी को समय पर औधोरिक कार्यों को पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। शुक्रवार को आयोजित बैठक में परियोजना निदेशक डीआरडीए ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र सिगड्डी कोटद्वार चिल्लर खाल मार्ग पर एटीएम की इंटरनेट से संबंधित कनेक्टिविटी जल्द प्रारंभ करें, जिससे सिगड्डी क्षेत्र व आसपास के लोगों को उसका लाभ मिल सकेगा। विद्युत आपूर्ति दावों के संबंध में उन्होंने मुख्य कोषाधिकारी को जांच कर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट्स पर चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने को कहा। उन्होंने कहा कि जो कार्य गतिमान है उन्होंने तत्काल पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। बैठक में उद्योग विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि औद्योगिक क्षेत्र में वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था हेतु नगर आयुक्त कोटद्वार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित किया गया, जिसमें नगर आयुक्त द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के व्यवसायिक गजट 2019 में प्रकाशित दर ₹1,000 प्रति इकाई प्रतिदिन 100 किलो से कम कूड़ा उत्पादन पर प्रति माह की दर से यूजर्स चार्ज किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रोथ सेंटर सिगड्डी कोटद्वार में सार्वजनिक 8 सीटर व 5 सीटर के सार्वजनिक शौचालय व केंद्रीय स्थापित करने हेतु प्रबंधन सिडकुल द्वारा वित्तीय स्वीकृति हेतु देहरादून सिडकुल मुख्यालय को प्रपोजल प्रोसित किया गया है। कहा कि मुख्यालय से स्वीकृति प्राप्त होते हुए जल्द शौचालय व कैंटीन का कार्य प्रारंभ होगा। न्यूज नाइन भारत के लिए वीरेंद्र रावत की खास रिपोर्ट। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।